हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्ना रानीशास कुकिंग लेसन। आज मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी बहुत इजीली घर में कैसे बना सकते हो, एज वेल एज द पाव भाजी मसाला। दिस डिश इज वेरी फेमस इन दिल्ली, मुंबई एंड मेनी अदर पार्ट्स इन इंडिया। सो पूरा रेसिपी को देखिए। लास्टली मैं सॉरी बताना चाहती हूँ फॉर नॉट मेकिंग रेसिपी फॉर द पास्ट वन ईयर ड्यू टू माई फाइनल सेमिस्टर क्लासेज एंड एग्जाम, एंड आई प्रोमिस दैट एवरी वीक आई विल बी अपलोडिंग एटलीस्ट वन रेसिपी। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ पाव भाजी मसाला एंड पाव भाजी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। फर्स्ट इज द टोमेटो, 6 स्मॉल टोमेटोज, 3 बिग ऑनियन कट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, 3 बिग पोटैटो, 15 ड्राई चिल्ली, 5 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, पाव ब्रेड एज पर द पीपल, पीस 5 टेबलस्पून, क्यूमिन सीड्स 3 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर सीड्स 1 टेबलस्पून, फेनल सीड्स 1 टेबलस्पून, बेलीफ 2, सिनेमम स्टिक 3, क्लोव्स 10, कार्डमम 1, सॉल्ट एज पर रिक्वायर्ड, टर्मरिक पाउडर 2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कोरिएंडर लीव्स अबिट लार्ज सम, बटर 2 टेबलस्पून, लेमन 2 एंड ऑयल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अबिट। अब मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ पाव भाजी मसाला कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में कोरिएंडर सीड्स डालेंगे 5 टेबलस्पून, जिसको धनिया सीड्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्यूमिन सीड्स, जिसको जीरा सीड्स बोला जाता है, उसको डालेंगे 3 टेबलस्पून। नेक्स्ट फेनल सीड्स डालेंगे 1 टेबलस्पून। नेक्स्ट ब्लैक पेपर सीड्स डालेंगे 1 टेबलस्पून। उसके बाद डालेंगे 15 ड्राई चिल्ली। नेक्स्ट ऑल द स्पाइसेस लाइक बे लीफ, सिनेमम स्टिक, क्लोव्स, कार्डमम सबको डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे और 2-3 मिनट्स तक रोस्ट करेंगे इन लो फ्लेम। ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो बहुत बर्न हो जाएगा। थोड़ा सा रोस्ट करना है जब तक अच्छा एक स्मेल ना आ जाए। दो से तीन मिनट के बाद आप लोग देख सकते हो स्पाइसेस बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अभी इस मोमेंट में फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करने के बाद एक बोल में डालना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद स्पाइसेस को मिक्सर मशीन में डालेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर। मैंने सॉल्ट यूज नहीं किया है क्योंकि मैं ये मसाला डिब्बा में स्टोर करके रखने वाली हूँ फॉर फ्यूचर यूज। ग्राइंड करते वक्त बीच बीच में स्विच ऑफ करके अच्छे से मिलाते रहिए, सो दैट देयर इज नो लम्स और अच्छा एक स्मूथ टेक्सचर आ जाए और पाउडरी जैसे मसाला रेडी हो जाए। ग्राइंड करने के बाद आप लोग देख सकते हो पाव भाजी मसाला इज रेडी। अगर आप लोग के पास ये पाव भाजी मसाला नहीं है और दुकान भी बहुत दूर है तो आप लोग ये रेसिपी देख के बहुत अच्छे से पाव भाजी मसाला घर में बना सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द कुकिंग प्रोसेस। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में पानी और नमक डाल के उसमें हम डालेंगे पोटैटो, कटा हुआ पोटैटो, एंड उसमें डालेंगे पीस और अच्छे से ढक्कन को बंद करके 2 विसल तक उसको बॉईल करने देंगे। तब तक ये बॉईल होता है दूसरा पार्ट कर लेते हैं। सबसे एक फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा ऑयल अराउंड 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और गर्म होने देंगे।
जब बटर एंड ऑयल अच्छे से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे कटा हुआ ऑनियन। प्याज को अच्छे से मिला के इसको फ्राई करना है इन मीडियम फ्लेम। ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हैं उसमें जो ऑनियन लगता है वैसे फ्राई नहीं करना है, कम फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, ज्यादा नहीं। ऑनियन जब फ्राई हो जाए देखने में ऐसे लगेगा, आप लोग इधर देख सकते हो कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, ज्यादा नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टोमेटो। नेक्स्ट इसमें डालेंगे हाफ बॉइल्ड पोटैटो एंड पीस। अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से वेजिटेबल्स बॉईल हो जाएगा। ये चार इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बॉईल करने के लिए, स्टीम करने के लिए। पानी डालने के बाद अच्छे से इसको मिलाएंगे। इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के इसको अराउंड 3 to 4 मिनट्स बॉईल करेंगे। 3 to 4 मिनट्स बॉईल करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबलस्पून। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला, अराउंड 3 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस पाव भाजी रेसिपी। पाव भाजी मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद एक पोटैटो स्मैशर से स्मैश करेंगे। एज आई डोंट हैव अ पोटैटो स्मैशर, आई एम गोइंग टू यूज दिस। ये स्पेशली यूज किया जाता है दाल गूंदने के लिए। इंग्रेडिएंट्स को तब तक प्रेस करते रहना है जब तक अच्छे से स्मैश ना हो जाए, लेकिन पीस को ज्यादा स्मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे। अराउंड 5 to 6 मिनट स्मैश करने के बाद आप लोग देख सकते हो ऐसे देखने में लगेगा, लेकिन अब भी इसको प्रेस करना है क्योंकि इसको और स्मैश करना है। एज मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था इसलिए मैं एक कुकिंग चम्मच लिए उसके ऊपर दाल गूंदने वाला चीज को रख के उसको अच्छे से स्मैश कर रहे थे। आप लोग इधर देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट स्मैश हो चुका है, फिर भी थोड़ा और स्मैश करना है क्योंकि पोटैटो बहुत जगह में स्मैश नहीं हुआ है।
दो से तीन मिनट के बाद आप लोग देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से स्मैश हो चुका है, सिर्फ पीस ज्यादा स्मैश नहीं किए। अभी एट दिस मोमेंट ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, अबित लाचसम। मुझे धनिया पत्ता बहुत पसंद है, इसलिए हर डिश में मैं बहुत ज्यादा धनिया पत्ता यूज करती हूँ। नेक्स्ट इसमें जो ऐड करेंगे वो है लेमन रस। मैं इसमें 1 लेमन रस ऐड की हूँ, इससे बहुत अच्छा एक एरोमेटिक स्मेल एंड एरोमेटिक फ्लेवर आएगा। लेमन रस डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद भाजी इज रेडी। आप लोग इधर देख सकते हो भाजी इज रेडी। भाजी देखने में ऐसे लगेगा। द फाइनल पार्ट इज द टोस्टिंग ऑफ पाव एंड प्लेटिंग ऑफ पाव भाजी इन अ प्लेट। नेक्स्ट एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब भी बटर मेल्ट करोगी लो फ्लेम में मेल्ट करना अच्छा है। अब इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स और कोरिएंडर धनिया पत्ता लीव्स को अच्छे से मिला लेंगे। अभी धनिया के ऊपर पाव को रख के एक साइड अच्छे से टोस्ट करेंगे। एक साइड जब टोस्ट हो जाए रोटेट करके दूसरा साइड को भी टोस्ट करेंगे अच्छे से। आप लोग देख सकते हो टोस्टेड पाव इज रेडी। अब द फाइनल पार्ट इज जस्ट द प्लेटिंग। अभी एक प्लेट में आप लोग को जैसे पसंद है वैसे प्लेटिंग कीजिए। मैंने इधर सिंपल प्लेटिंग की है, 2 पाव रखा है और इस साइड में रखा है भाजी को और उसके साथ थोड़ा सा ऊपर कोरिएंडर लीव्स ऐड किए क्योंकि मुझे कोरिएंडर लीव्स बहुत पसंद है और साइड में एक लेमन रखा है। अगर आप लोग को ऑनियन खाना है तो आप लोग ऑनियन भी रख सकते हैं, जैसे आप लोग को पसंद है वैसे प्लेटिंग कीजिए। आप लोग इधर देख सकते हो पाव भाजी बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है और देखने में बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है। मैंने भाजी बनाते वक्त रेड कलर यूज नहीं किया है, रेस्टोरेंट में रेड कलर यूज किया जाता है टू मेक इट मोर रेडिश, बट मेरे पास रेड कलर नहीं था और मुझे कलर पसंद भी नहीं है फूड में, इसलिए मैंने रेड कलर यूज नहीं किया है और बहुत रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे लग रहा है, आप लोग इधर देख सकते हो। और मैं गारंटी से बोल सकती हूँ रेस्टोरेंट से भी आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जब घर में ट्राई करके बनाएंगे और खाएंगे तब आप लोग रेस्टोरेंट में जाना ही बंद कर देंगे, आप लोग घर में ही बनाते रहेंगे और घर में ही सबको खिलाते रहेंगे। बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है। पूरा रेसिपी देखने के बाद आई होप आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगे। घर में ट्राई कीजिए ये रेसिपी, बनाइए ये रेसिपी आप लोग के लव्ड वंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अन्ना रानी शाह एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।